वो बहुत जल्द मान जाएगी। अच्छा, वो कैसे? मुझे अस्जद की बातों से क्लू मिला है कि जैसे दुआ उसके बारे में सोचने लगी है। रिमशा का रिश्ता पक्का हो गया है, वही लेकर आए थे ससुराल वाले। बहुत मजे के गुलाब जामुन है, खाए। शहजाद, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ, दुआ के बारे में सोचना छोड़ दो। वो हमारी दुआ नहीं है, मैं जानती हूँ। खाला, आप मुझ पे एहसान करेंगी कि शहजाद को मत बताइएगा कि मैं दुआ हूँ। कब तक निकलना है तुम लोगों ने? ऑफिस तो मैं जा नहीं रहा, तो बस कुछ देर में निकलते हैं। क्यों मैं? इसका बस नहीं चल रहा कि उड़कर पहुंच जाए। अम्मी, पहली बार देख रहा हूँ ऑफिस नहीं जा रहा फिर भी बहुत खुश है। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। असंत भाभी, आप बहुत खामोश हैं, सब ठीक? जी भाई, बस सारा सा सर में दर्द है। तो फिर दवा ले लेनी थी ना, सफर करना इतना लंबा। आंटी, मैं सोच रही हूँ कि आज नहीं जाए, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया अम्मी? हाँ बेटा, मुझे लग रहा था कि ठीक हो जाएगी तबीयत। असुन भाभी, अब दवा लें और रेस्ट करें, तबीयत ठीक हो जाए तो चली जाएगा, नहीं तो कल चली जाएगा। क्यों अम्मी? मेरा ख्याल है कल ही मुनासिब है, आज आराम कर लो तुम, और वहां पर भी जाकर दौड़ लगनी शॉपिंग की। सही कह रही हैं आंटी आप, मुझे भी यही बेहतर लग रहा है। तुम ना रज़ी को फोन जरूर कर देना कि आज नहीं आ रही है वो। जी अम्मी, मैं कॉल कर दूंगा। अरे कुछ खा तो लो, दवा भी तो लेनी है ना। जी आंटी, खा रही हूँ। जानबूझकर माहम के लिए कुर्बानी देने का ढोंग करी हो ना, असमत खाला के सामने होगी तो उनको बार बार एहसास होगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया। ऐसा ना होता तो तुम तो कब की यहाँ से जा चुकी होती। गलत नहीं सोच रही, यही सच है। अगर तुम्हें वाकई में माहम के लिए कुर्बानी देनी होती तुम कब का इज्जत का हाथ थाम कर यहाँ से जा चुकी होती। एक बात याद रखना तुम्हें, तुम्हारे इस राज के साथ इस घर में आखिरी रात है। कल असमत खाला और शहजाद के आने के बाद ये राज मैं सबके सामने खोल दूंगी। मैं भी तुम्हारी तरफ ही आ रही थी, वो अभी महरोज का फोन आया, मुझे बता रहे थे कि असमत और शेजी आज नहीं कल आएंगे। खैरियत है? कह रहे थे कि शायद तबीयत नहीं ठीक असमत की। आंटी। क्या हुआ तुम्हें? वो आप जूबी आंटी को हाँ कर दे। What? इतनी बड़ी खुशखबरी तुम मुझे ऐसे रो के सुना रही हो? पागल लड़की, खुश रहो,
मैं ऐसा करती हूँ, अभी जूबी को बताती हूँ कॉल करके, ठीक है? इस मसले का हल नहीं है। आज झूठ बोलकर मैंने एक दिन प्रोग्राम डिले कर लिया, लेकिन कब तक ऐसा कर सकती हूँ? शहजाद ने वहां दुआ के बारे में किसी से कुछ बोल दिया तो मैं कैसे संभालूंगी बात? और दुआ, दुआ भी शहजाद के दिल का हाल जानकर उसके बारे में सोच सकती है। फिर क्या करूंगी मैं? दवाई ले ली आपने? हाँ, ले ली थी। अम्मी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप वहां जाने से अवॉइड कर रही हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी शहजाद? दुआ की वजह से। शायद तुम्हें समझाना मेरे बस में नहीं है। वो हमारी दुआ नहीं है शहजाद। जितनी शिद्दत से आप मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि वो हमारी दुआ नहीं है, काश इतनी शिद्दत से आप उसे जानने की कोशिश कर लेती। अब फिर क्या होता? शहजाद, तुम जो जिंदगी का नया सफर शुरू करने जा रहे हो, प्लीज उसके बारे में सोचो। दुआ कहाँ है और कहाँ नहीं, उसके बारे में सोचना छोड़ दो बेटा। क्या आपको वाकई यकीन है कि वो हमारी दुआ नहीं है? अगर वो हमारी दुआ होती तो वो तुम्हें बता नहीं देती। फिर उससे इतनी अपनाइयत क्यों दिखा रही थी आप? इतनी मोहब्बत तो आपकी आंखों में माहम के लिए नहीं थी जितनी दुआ के लिए थी। उसके नाम की वजह से। जैसे उसका नाम सुन के तुम्हें ये गुमान हो रहा है कि वो हमारी दुआ है, मुझे भी बस मेरी दुआ याद आ गई थी। आपकी तबीयत अगर खराब है तो आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ। शहजाद, तुम ऑफिस जाओ। शहजाद, प्लीज तुम दुआ के बारे में सोचना छोड़ दो। अगर वहां तुम्हारे मुंह से किसी ने भी दुआ का जिक्र सुन लिया ना, तो पिछले कई सालों से जो तुम जज्बात छुपाने की कोशिश कर रहे हो वो मजीद छुपा नहीं पाओगे। बेफिक्र है, आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा। बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं, शर्म करो। मुझे लगा कि आंटी ने तुम्हें बता दिया होगा। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था दुआ। अच्छा, वो शेजी ने बता दिया तुम्हें? क्या? यही कि वो लोग आज नहीं आ रहे। उन लोगों की बात नहीं कर रही पागल, मैं वो बात कर रही हूँ जब तुमने अजीत के लिए हाँ कर दी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं तुम्हें बताने आने वाली थी लेकिन फिर मुझे आंटी मिल गई। कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, अजीत तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अब तो खुलकर मुस्कुरा लो।
अजद यहाँ होता ना तो दौड़ा दौड़ा आ जाता अभी। तुम खुश हो ना? मैं तो खुश हूँ, लेकिन तुम भी खुश हो जाओ ना। तुम खुश हो मेरे लिए यही बहुत है। जी नहीं, तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा अजद की खुशियाँ अहम होनी चाहिए। मुझे पता है ये फैसला तुम दोनों की जिंदगी में बहुत खुशियाँ लाएगा। कहा था ना खबर मिलते ही दौड़ा चलाएगा, फिलहाल फोन आ गया। ये लो बात करो। नहीं, मुझे बात नहीं करनी। क्यों पागल, वो विश करना चाह रहा होगा तुम्हें। हेलो, खबर पहुंच गई आपको? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सोच सकती हूँ। ये ले, आप दुआ से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अब तो बात कर ले। कैसे हैं आप? मोहब्बत करने वाले को मोहब्बत मिल जाए तो वो कैसा हो सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत खुश हूँ मैं। जी, ये ले आप माहम से बात करें। सो सॉरी, आई थिंक दुआ बिजी थी इसलिए चली गई। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। आइए ना अंकल, आप बैठे। अब्बा आने वाले होंगे दुकान से खाना लेने, उतनी देर में मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं रक्षा बेटा, मुझे तुमसे बात करना है। बेटा, हर माँ बाप को अपनी औलाद बड़ी प्यारी होती है। तुम अमजद को बहुत अजीज हो, शानी मुझे बहुत अजीज है। जी अंकल। माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी भी कोई भी गलत फैसला नहीं करना चाहते, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि औलाद की मोहब्बत में माँ बाप गलत फैसला कर बैठते। अमजद का फैसला गलत है, लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगी कि तुमने उसकी खुशी की खातिर तस्लीम करके अच्छी बेटी होने का फर्ज निभाया। बेटियों के पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं होता अंकल। कि तुम जैसी प्यारी बेटियां होती हैं ना, उनकी खुशी का ख्याल भी करना चाहिए। शानी बहुत जज्बाती है, गुस्से का तेज है, लेकिन तुम्हारे लिए उसके जज्बे सच्चे हैं। बेटा, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि तुम उसका साथ किस हद तक दे सकती हो। अंकल, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बहुत बेबस हूँ इस मामले में। नहीं बच्चे, बेबस नहीं हो तुम, तुम्हारी और शानी की लड़ाई मैं लड़ूंगा। अब्बा नहीं मानेंगे। उससे मनवाना अब मेरा काम है। जब भी तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो खुद को समझा लेना कि अब तुम बेबस नहीं हो। अब क्या करेंगे? अब तक जो नहीं कर सका। अंकल, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अब्बा को कुछ ऐसा कहें जो आपको बुरा लगे। जो भी कहेगा मैं बर्दाश्त कर लूंगा रमशा बेटा, सब तुमने परेशान नहीं होना। जीती रहो, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, घर आ सकते हो? इस वक्त आपने दुकान नहीं खोली? वहीं से आ रहा हूँ, कितनी देर में आओगे? भाईजान आप तो बहुत जल्दी में लग रहे हो। मैं इंतजार कर रहा हूँ।
ये क्या है, तुम तो अभी से मिठाइयां लेकर चल पड़ी हो। मेरा बस चलता तो बारात लेकर आ जाती। अजद गया हुआ टर्की बिजनेस के सिलसिले में, 2 दिन तक वापस आ रहा है। जैसे ही वापस आएगा मैंने मंगनी की रस्म करने के लिए आ जाना है। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। इस मामले को अब मैंने डिले नहीं करना है। मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मैंने अपनी माहम के साथ ही दुआ को रुखसत करना है। हाँ तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। दुआ कहाँ है? दुआ आई थिंक अपने कमरे में है, रुको मैं बुलवाती हूँ उसे। नहीं नहीं बुलाओ नहीं, मैं जाके उससे खुद मिल लेती हूँ। शुक्रिया भी तो कहना है उसे। चलो ठीक है, जाओ अंदर ये मिल लो। दुआ मैं तो सोच रही थी आज जाते ही मेरी दुआ पर नजर पड़ेगी और मैं तुम्हें गले लगा लूंगी, लेकिन तुम तो अंदर छुपकर बैठ गई। आंटी मैं बस आ ही रही थी आपके पास। थैंक यू दुआ, तुमने मेरी रिक्वेस्ट मान ली। अजद के वापस आते ही मैंने छोटा सा मंगनी का फंक्शन करना है और माहम की शादी के साथ ही तुम्हें रुखसत करवा कर ले जाऊंगी और इंतजार नहीं करवाऊंगी अपने बेटे को। जैसे आपकी मर्जी। खुश रहो, दुआ में मानती हूँ। रजी ने तुम्हें बहुत सुख दिया है, लेकिन बेटा बेटियां जब रुखसत होती हैं तो सर पर माँ बाप का हाथ चाहती हैं। अजय जैसे ही आएगा मैं उससे कहूंगी तुम्हारे माँ बाप को तलाश करें। तुम्हारे आईडी कार्ड में कोई मालूमात तो मिल जाएंगी ना? अब नहीं नहीं आंटी, मेरे आईडी कार्ड पे तो इसी घर का एड्रेस है। लेकिन तुम्हारा कोई इलाका या घर कुछ तो याद होगा ना तुम्हें? बस दुआ में ये चाहती हूँ कि उन्हें इस फैसले के बारे में आगाह कर दिया जाए ताकि बाद में वो एतराज करने ना आ जाए। ठीक है ना? मैं रजी के पास जाती हूँ। हाँ जी। आंटी आपने बुलाया था मुझे? अरे असमत बैठो बेटा, एक खुशखबरी है मेरे पास तुम्हारे लिए। माहम के साथ वो बच्ची रहती है ना, क्या नाम है, दुआ, उसने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। आंटी किसके साथ रिश्ता हो रहा है उसका? जुबी के बेटे के साथ। चले अल्लाह अच्छे नसीब करे हम दोनों के। आमीन। मेरी तो दिली ख्वाहिश थी कि रिजी इसका भी रिश्ता किसी अच्छी जगह करे। बहुत अच्छी लड़की है, अल्लाह ने बहुत अच्छा सबब बना दिया। आंटी दुआ की मर्जी तो है ना इस रिश्ते से? हाँ रिजी ने यही बताया था कि उसने खुद हाँ की है। दुआ बेटा तुमने मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी। और हाँ रिजी ने बताया माहम की रुखसती के साथ दुआ की भी रुखसती कर देंगे। बहुत अच्छी सोच है आंटी, खुदा उन दोनों को बहुत खुश रखे। भाईजान जो बात करनी है जल्दी करें, मैं अपना काम छोड़कर आया हूं। मैं तुम्हारे घर गया था, रिमशा को यकीन दिलाकर आया हूं कि उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो क्यों परेशान होगी, माशाल्लाह से बहुत खुश है वो। हाँ बहुत खुश है, इतनी खुश है कि उसकी आंखों से आंसू ही नहीं खुश्क होते। भाईजान जो बात करनी है जल्दी करें।
मैंने आपको बताया ना, मैं अपना काम छोड़कर आया हूं। दो बार मैं तुम्हारे घर गया तुमसे बात करने, और दोनों बार तुमने मेरी जबान अपना फैसला सुनाकर बंद कर दिया। आप बस दुआ करें कि मेरी बेटी जहां रहे खुश रहे। इंशाल्लाह तुम्हारी बेटी अपने घर में खुश रहेगी, ये घर भी तो उसी का है। भाईजान सोचिएगा भी मत, मैं अपनी बेटी का हाथ शानी के हाथ में नहीं देने वाला। जिसके साथ तुमने मंगनी की है उसके साथ वो खुश रह लेगी। क्यों खुश नहीं रहेगी, भला किस चीज की कमी है वहां पर? चीजों की कमी तो नहीं है, लेकिन सुख और खुशी से उसका दामन खाली रहेगा। खुदा से डरे भाईजान, मेरी बेटी के लिए ऐसी बातें मत करें। डरना तो तुम्हें चाहिए, तुम्हें यहां बुलाकर तुमसे बात इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हारी बेटी की नजर में जो तुम्हारा मुकाम है वो बड़ा है। इस बात की आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, माशाल्लाह से मेरी बेटी की नजरों में शर्म और लिहाज दोनों है। वो जानती है कि बाप का फैसला मानना पड़ता है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसके बाप ने जो फैसला किया है वो किस शर्त पर किया। डॉक्टर अनीस की मां से जो तुमने सौदेबाजी की है वो मैं अच्छी तरह जानता हूं। उसके शादीशुदा बेटे से अपनी बेटी का रिश्ता तुमने इसलिए तय किया है कि वो औरत तुम्हें एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर सेट करके देगी। ये बात आपको कैसे पता? इसी दुनिया में रहता हूं अमजद, तुम्हारे लिए जानना ये अहम नहीं है। बहरहाल मैं खामोश नहीं रह सकता। भाईजान वो रमीज की माँ ने अपनी खुशी से कहा था कि वो मुझे डिपार्टमेंट स्टोर बनाकर देंगी। हाँ, ताकि उसका खोटा सिक्का चल जाए। अरे मानता हूं कि रमीज शादीशुदा है, लेकिन उसकी शादी बाहर हुई थी, और वैसे भी शादी के बाद वो यहीं रहेगा। हाँ हमजे, तुम शायद ये नहीं जानते कि रमीज के दो बच्चे भी हैं। उसकी बाहर वाली बीवी ने वो बच्चे रमीज के हवाले करके उसे तलाक के जा चुके हैं। वो बच्चे अब गवर्नेस के पास रहते हैं, और रमीज से शादी के बाद वो बच्चे रिमशा को संभाल रहे हैं। नहीं, ये बात मेरे इल्म में नहीं है, किसी ने गलत बताया। क्या गलत है क्या सही है, जाओ जाके तहकीक करो, तोड़ दूंगा रिश्ता। भाईजान आपने मुझे यहां बुलाया और मैंने आपकी बात सुन भी ली, अब मैं चलता हूं। आओ दुआ, मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारे फैसले ने तो इस पूरे घर का माहौल बदल दिया। मिठाइयां बट रही हैं। घर का माहौल बदला है या नहीं बदला, तुम्हारा मूड नहीं बदला। साफ जाहिर है अब ये राज कभी नहीं खुलेगा कि हमारा आपस में क्या ताल्लुक है। पहली बार मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहन वाली फीलिंग्स आ रही हैं। मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं, लेकिन मैं भूल गई थी कि ये इतना आसान काम नहीं है। अब क्या रुकावट आ गई है? सिला, वैसे कितनी अजीब बात है ना, हम किसी को बेटी बना के तो अपने घर पे रख सकते हैं, लेकिन किसी को बहू बनाने के लिए उसका बैकग्राउंड और उसके माँ बाप की इजाजत को जरूरी समझा जाता है। कौन लेना चाहते हैं उनसे इजाजत? अज़द की मामा। तो तुम कह दो ना, तुम्हें उनके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है।
मैं कह भी दूं तो मेरे आईडी कार्ड पे बाबा का नाम तो लिखा है ना। असद कहता है कि मैं उन्हें तलाश करूंगा। तो फिर छुपा दो अपना आईडी कार्ड और एक काम करो, आग ही लगा दो उसको। किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए दुआ। वो आईडी कार्ड तो महज एक कागज का टुकड़ा है सिला, लेकिन मैं अपनी पहचान तो नहीं छुपा सकती ना। निकाह नामे पे क्या वल्दियत लिखवाऊंगी मैं? सईद अहमद, क्या जावी और अंकल नहीं चौंकेंगे कि मेरी वल्दियत और तुम्हारी वल्दियत एक जैसी कैसे है? बस कोई और नाम लिखवा देना। नहीं सिला, एक नाम ही तो है मेरे पास बाबा का, और वो मैं कभी नहीं बदलूंगी। उसे मेरे पास रहने दो। तुम शायद ये नहीं जानते कि रमीज के दो बच्चे भी हैं। वो बच्चे अब गुडनेस के पास रहते हैं, और रमीज से शादी के बाद वो बच्चे रिमशा को संभाल रहे हैं। हेलो। वालेकुम, मुझे आपसे मिलना है। मैं जरा शॉपिंग के लिए जा रही थी, कोई खास बात? बात बहुत जरूरी है, जभी मिलने का कह रहा हूँ। मिलने का टाइम है आपके पास? बोलो, मैं सुन रही हूँ। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? कौन सी बात? यही बात कि रमीज के दो बच्चे हैं। बच्चे हैं तो कौन से यहाँ है, वो तो बाहर है, और रमीज उनका खर्चा भेजता है उनको। मैंने अगर कुछ छुपाना होता तो तुमसे अपने बेटे की शादी की बात क्यों छुपा दी? आपको वादा करना पड़ेगा कि रमीज के बच्चों का मेरी बेटी से कोई वास्ता नहीं होगा। बच्चे अगर पाकिस्तान आ गए तो जाहिर है रिमशा ही उनका ख्याल करेगी। ये तो मेरी बेटी के साथ बहुत जुल्म होगा। तुम किन हवाओं में हो? एक तो मुझसे इतना बड़ा फायदा ले रहे हो, और तुम्हारी बेटी मेरे घर आकर दो बच्चे नहीं संभाल सकती। मेरी रिमशा तो बहुत छोटी है अभी, उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि रमीज शादीशुदा है। है नहीं, शादीशुदा था और तलाक दे चुका है अंग्रेज बीवी को। लेकिन बच्चे तो है ना उसके। देखो हमजद, मेरा सर ना खाओ। तुम्हें अगर नहीं मंजूर तो बता दो। तुम्हारे जैसे लालची बहुत पड़े हैं इस शहर में। मैंने तो सोचा था तुम्हारी बेटी का मुस्तकबिल समर जाए और तुम्हारा बुढ़ापा भी आराम से दिखे, लेकिन लगता है तुम अपनी बेटी की कीमत बढ़ा रहे हो। अच्छी तरह सोच लो और फिर मुझे जवाब देना। अब ये राज कभी नहीं खुलेगा कि हमारा आपस में क्या ताल्लुक है। पहली बार मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहन वाली फीलिंग्स आ रही है। तो फिर छुपा दो अपना आईडी कार्ड और एक काम करो, आग ही लगा दो उसको। किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए दुआ। वो लेकिन तुम्हारा कोई इलाका या घर कुछ तो याद होगा ना तुम्हें? बस तुम्हें, मैं चाहती हूँ कि उन्हें इस फैसले के बारे में आगाह कर दिया जाए, ताकि बाद में वो एतराज करने ना आ जाए। मैं पूरे घर में तुम्हें तलाश कर रही हूँ और तुम यहाँ बैठी हो। परेशान हो तो तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है तुम बता क्यों नहीं देती हो? अभी मुझे माहम भी कह रही थी कि तुम परेशान हो। आंटी, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। किस बात के लिए? मेरी वो तमाम खताएं जो मेरे हिस्से में लिखी गई हैं। अब तुम मुझसे मार खाओगी। कौन सी खताएं, जब तुमने कुछ किया ही नहीं? आंटी, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मैं आपके एहसानात का बदला कभी नहीं चुका सकूंगी। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें तो आज के दिन खुश होना चाहिए ना।
बल्कि तुम्हें तो अब हर रोज खुश होना चाहिए। इतना प्यार करने वाला इंसान तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनने जा रहा है। दादो को मिस कर रही हूँ। वैसे हाँ, अगर वो जिंदा होती ना तो तुम्हारे लिए आज बहुत खुश होती। अब अपना मूड फ्रेश करो और जल्दी से अंदर आओ। सॉरी आंटी, मैं आपकी मोहब्बतों का सिला नहीं दे सकूंगी। अस्सलामुअलैकुम अब्बा, जल्दी आ गए आप। हाँ, काम में दिल नहीं लग रहा था। ये सामान कौन देके गया है? शमीज की अम्मी। अच्छा, वो खुद आई थी देने? जी। अच्छा, तुमसे कुछ कह के तो नहीं गई? नहीं, बस कह रही थी कि मैं मार्केट गई थी तो सोचा तुम्हारे लिए भी कुछ सामान ले लूं। रिमशा बेटा, एक गिलास पानी तो लाना। जी अब्बा। बहुत अच्छे लोग हैं। मैं यूं ही भाईजान की बातों में आ गया। शुक्र है मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोल दिया बाजी को। मेरे इतने सख्त लहजे के बावजूद इतना सब कुछ ले आई वो बेचारी। पानी? हाँ बेटा, एक काम करना, इन सब चीजों को संभाल के रख देना, ठीक है? जी। बोलो अमजद, और कोई बात रह गई है तो बता दो। अरे बाजी, क्यों नाराज होती है? बस यूं समझें कि आपका छोटा भाई किसी की बातों में आ गया था। मेरी बातों का बुरा मत माना करें। चलो शुक्र है तुम्हें अकल आ गई। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाय मामा। हाय बेटा, तुम गई नहीं शॉपिंग पे? नहीं, मैंने डिजाइनर से ड्रेस कलेक्ट किया था। शॉपिंग तो आपको पता है मैं दुआ के बगैर नहीं करती। अच्छा, दुआ है कहाँ पर? कमरे में होगी, अपनी देखो। अच्छा मैं चेक करती हूँ। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप मिसेस दुरानी? दुआ, मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। वहाँ आप लोग सब मुझे माफ कर दीजिएगा। दुआ। मम्मा, मम्मा, मामा, मामा, ये देखिए क्या है ये? मामा, दुआ कहीं चली गई है। क्या? मेरी वो तमाम खताएं जो मेरे हिस्से में लिखी गई हैं। सॉरी आंटी,
मैं आपकी मोहब्बतों का सिला नहीं दे सकूंगी। मेरे खुदाया, तो ये इरादा कर कर बैठी हुई थी, मुझे अंदाजा भी नहीं हुआ। मामा, आपकी कोई बात हुई थी क्या दुआ से? मैं उस वक्त ये बात समझी नहीं कि वो किन खताओं की माफी मांग रही थी। दुआ, ये क्या किया तुमने? कहाँ गई होगी? मामा, आप फिक्र ना करें, मैं अभी जाकर देखती हूँ वो कहाँ है। नहीं नहीं माहम, तुम ऐसा करो, जाके ड्राइवर अंकल को बोलो कि गाड़ी निकालें, मैं खुद जाती हूँ उसे तलाश करने। ओके।